हम दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला सॉन्ग है एंड हम दोनों ने मिलके बहुत मेहनत की है. थैंक्स टू द टीम ऑफ कैलाश प्रोडक्शन फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग हैपन. स्पेशल थैंक्स टू प्रिंस भाई, सुमित सर, मंजरी, नताशा, एवरीवन. वी हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड दिस. And I think Ankita wants to say something as well. Oh yeah. So I'm very very happy today our song launched Renuma. और मैं मुझे इतनी सारी चीज़ें कहने क्योंकि मेरा एक महीने में दोनों गाने रिलीज़ हो गए हैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि हमने इतना हार्ड वर्क किया है. मुझे काफ़ी मज़ा आया आयुष के साथ काम करके, हमारे डायरेक्टर सुमित, हमारे सिनेमेटोग्राफर प्रिंस भैया और हमारी पूरी जो टीम है रहनुमा की, उन्होंने इतना अच्छा हार्डवर्क किया है. और ये गाना बहुत मेलोडियस और सेंशनल और मानसून के लिए परफेक्ट सॉन्ग है, हर यंग कपल के लिए और हर फैमिली के लिए. सो इट्स अ गुड बिगिनिंग टू स्टार्ट मानसून विद रहनुमा. बाय द वे, ये हमारा गाना जो इतना अच्छा और इतना हसीन है मौसम के हिसाब से, हमने इसे रिलीज़ किया है बारिश में. ये गाया है हमारे फेवरेट सुशांत एंड हीना ने. yeah. उनकी आवाज़ मैंने पहले भी सुनी थी और इसलिए हमने फैसला किया कि वी वांट टू गो फॉर देम. एंड बहुत अच्छा सॉन्ग है. मुझे तो इतना पसंद है कि मैं अपनी कार में ना हमेशा उसको ना लूप पे लगा के चलता हूँ. आर यू श्योर? यस डेफिनेटली, लाइक आई एम श्योर बिकॉज सो मेलोडियस एंड सुशांत वॉइस इज सच अ यूनिक वॉइस. व्हेन आई हर्ड आई डिडंट सी लाइक किसी से भी नहीं, मतलब इतनी यूनिक वॉइस है. और हिना की वॉइस भी इतनी खूबसूरत है, इतनी हस्की है. और व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग इट वाज अ रॉ एंड देन वी हर्ड ओरिजिनल सॉन्ग, ओ आई फेल इन लव विद रहनुमा सॉन्ग बिकॉज सो कनेक्टेड. इट इज वेरी मच यू नो कनेक्टेड विद योर डेली लाइफ एंड मानसून इज परफेक्ट सॉन्ग यू नो. अगर इसकी बात करें तो शूटिंग की कहाँ पर हुई है, जैसे मानसून की बात कर रहे हैं, बार बार लोकेशन क्या? हमने ये गाना शूट किया है मुंबई के बाहर. और बता देते हमने ये गाना शूट किया है लोनावला में. और ये सारा आइडिया नताशा एंड मंजरी का प्लान था. ब्यूटीफुल लोकेशन थी. सबसे बेस्ट पार्ट था जो रात में 3:30 बजे से हम लोगों को इतनी ठंड लग रही थी, बट फिर भी यू नो वी हैड टू डू इट.
मैंने कम से कम एक गाना शूट करने के लिए 25 से 28 ब्लैक कॉफी पी है. और उससे ज्यादा सबसे दिलचस्प बात है कि इसने मुझे आई थिंक 30 से ज्यादा बार उठाया होगा और मैं इसे पूछ रही आयुष थक गए हो, बोलते नहीं नहीं आई एम ओके आई एम फाइन. सो इन द मिडल ऑफ नाइट वी शॉट दिस सॉन्ग एंड एक्चुअली इट्स कम्प्लीटली नाइट शूटिंग. इट्स अ वंडरफुल लोकेशन इन लोनावला वी शॉट एंड यू नो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वॉज entering in the swimming pool at 4 AM, isn't it? You remember? I do remember. He went early only. I said no, I can't go. Then like we had to do this scene in swimming pool at 6 AM. Wonderful location. इतना परेशान किया इन्होंने, पहला गाना था इनका तो टेक. अयो नो नो नो, आयुष ने कुछ भी परेशान नहीं किया. यू नो मुझे ऐसा लग रहा कि यू नो इट्स मैं इनको इतना नहीं जानती थी, बट जब पहली बार मिला तो उन्होंने एक जोक क्रैक किया तो मुझे लगा हाँ बहुत कंफर्टेबल है आयुष. सो आयुष वॉज रियली काइंड कि आप ठीक हो, आप कंफर्टेबल हो. ही वॉज कैरिंग माई हील्स, ही वॉज कैरिंग माई ड्रेसेज, ही वॉज सो फ्रेंडली टू मी. I had a really great fun with Ayush. Ayush, we had to do next song together. Definitely. Ayush, मेरा नाम आयुष है. मैं बेसिकली प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ. मुझे मुंबई में 8 साल हो चुके हैं. 8 साल में मैंने काफ़ी टीवी के प्रोजेक्ट्स किए हैं, बट ये म्यूज़िक वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम किया है एंड आई एम हैप्पी कि ये म्यूज़िक वीडियो हमारे होम प्रोडक्शन का है. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क अगेन विद कैलाश प्रोडक्शंस एंड आई एम ओपन टू ऑल सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वेब सीरीज, मूवीज, टीवीज. ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे ये करना है ये नहीं करना. और जब मैंने गाना शूट किया और मैंने उसको मॉनिटर पे देखा तो मुझे सच में ऐसा लगा कि मार्केट में एक नया रोमांटिक हीरो आ चुका है. सो हम लोगों को भी आदत पड़ गई. स्क्रिप्ट दैट यू विल प्रेज योरसेल्फ, आई देयर आर पीपल आउट देयर, दे शुड प्रेज यू, राइट? नहीं, बट मैं हमेशा सुबह उठ के शीशे में देखकर बोलता हूं कि मुझसे ज्यादा सेक्सी कोई नहीं. तो आई लाइक दैट सॉन्ग. मे बी आई एम लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम आयुष टुडे. हाँ, सो मेरा नाम अंकिता जाधव है. मैं भी मुंबई से हूँ और मेरी करियर की शुरुआत मैंने मराठी फिल्म और साउथ में अभी ज़्यादा मैंने फिल्में की है. लास्ट ईयर मैंने अपनी प्रोडक्शन में चलचले आसमान सॉन्ग किया है और ये मेरा दूसरा एल्बम सॉन्ग है. आगे भी मेरी तेलुगु फिल्म इंद्रानी आ रही है और आगे भी हम कई सारे सॉन्ग प्लान कर रहे हैं. आई थिंक वन ऑफ द सॉन्ग विल रिलीज इन ऑगस्ट, 15 अगस्त. सो देर आर प्लेंटी ऑफ प्लान्स टू रिलीज द सॉन्ग्स एंड फिल्म्स आर ऑन द वे. फ्यूचर में आप दोनों को फिर से कभी एक साथ देख पाएंगे गाने में या किसी फिल्म या वेब सीरीज? आप पहले रहनुमा को हिट करवा दीजिए. आप पहले रहनुमा को अपना प्यार दीजिए, हिट कराइए और ऑटोमेटिकली जब हमारी जोड़ी हिट हो जाएगी तो हम दोबारा का आना ही पड़ेगा आप लोगों को. यस, गाने कर लेंगे आपके लिए, ठीक है? ऑडियंस से क्या अपील करना चाहेंगे? ऑडियंस से सबसे पहले अपील तो ये करना चाहूंगा कि फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स ऑफिशियल आयुष खत्री. आयुष, इट्स अ मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस. नहीं, डेफिनेटली तभी तो ज्यादातर लोगों से पहुंचेगी ये बाइट. मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हमने बहुत मेहनत करके गाना बनाया है और ये एक्चुअली रोमांटिक सॉन्ग है. आप देख सकते हैं दो खूबसूरत लोग आपके सामने खड़े हैं, तो इस गाने को देखिए और अपने लव्ड वंस को भेजिए, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भेजिए, होने वाली गर्लफ्रेंड को भेजिए, जो करंट है उसको भी भेजिए, लेकिन भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रील बनाइए, मुझे टैग करिए एंड आई विल मेक श्योर दैट मैं आप सब की रील शेयर करूँगा. एंड स्पेशल थैंक्स टू कैलाश प्रोडक्शंस एंड टैग कैलाश प्रोडक्शन, टैग आयुष खत्री और सॉरी ऑफिशियल आयुष खत्री एंड यस अंकिता. डिड यू फॉरगॉट माय नेम? मैं इसलिए तो आपको पीछे से ढुमकी दे रहा हूँ कि आप भी बताओ अपनी आईडी. सो सच में इस गाने के बारे में मैं खास दिलचस्प बात बताना चाहती हूँ कि आई वॉज मंजरी को मैं स्पेशल थैंक देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस गाने में कास्ट किया है. मैं नताशा जी को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ कि शुरुआत से लेकर अंत तक इन्होंने मुझे इतना अच्छे से ट्रीटमेंट दिया है. और मैं स्पेशली थैंक्स कैलाश प्रोडक्शन को कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए थोड़ा रिस्की था कि मैंने पता नहीं नया, मतलब मैंने इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, बट मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि डोंट वरी, वी विल रिप्रेजेंट यू वेल. हम आपको बहुत बढ़िया दिखाएंगे, हम आपकी जो भी स्किल, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा हम करके दिखाएंगे. एंड यू गाइज डोंट बिलीव कि हमने आज दोपहर में अपना खुद का गाना देखा है, बिकॉज दे वो वर्किंग सो हार्ड कि दे आर मेकिंग श्योर कि ये गाना परफेक्ट आए और ऑडियंस के लिए बेस्ट सॉन्ग हो. तो बिग बिग थैंक यू टू कैलाश प्रोडक्शन, बिग थैंक यू टू सुमित सर, बिग थैंक यू टू प्रिंस सर एंड बिग थैंक यू टू एंटायर टीम ऑफ रहनुमा. आई हैड अ रियली फैमिली एक्सपीरियंस विद देम. थैंक यू.
मैं भी ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच कैलाश प्रोडक्शन फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी, बट बिग 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 थैंक्स टू हमारी अपनी मंजरी सक्सेना फॉर कास्टिंग मी इन दिस सॉन्ग. एंड अगर आप मुझे कास्ट नहीं करते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो एक रोमांटिक हीरो में होनी चाहिए. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रिंस सोलंकी, थैंक यू सुमित सर, थैंक यू नताशा नाटी, एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन, एंड स्पेशल थैंक्स टू माय को-एक्ट्रेस अंकिता. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ स्वीट. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. प्लीज वॉच आवर रहनुमा सॉन्ग, डू शेयर विद योर फैमिली मेंबर्स, सब्सक्राइब कर लिस प्रोडक्शन चैनल ऑल्सो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शावर योर लव ऑन मी एंड आयुष, एंड रील्स बना दीजिएगा गाइस, आप कैलाश प्रोडक्शन को, आयुष को, अंकिता को, हम सभी को टैग कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और हम आएंगे फिर से दोबारा गाना शुरू होगा तब. थैंक यू, थैंक यू सो मच. कैसे प्लानिंग हुई करेंगे, क्या चैलेंजिंग पार्ट था इसका? चैलेंजिंग एक्चुअली चैलेंजिंग तो सभी पार्ट है हमारे लिए, दो और इसका प्लानिंग चल रहा है एक महीने से, पूरा एक डेढ़ महीने से प्लानिंग चल रहा था. दीदी ने पूरा कास्टिंग कर दिया था, कास्टिंग करके फिर शूट कर लिया था. मैं सुमित चक्ता, इस गाने का डायरेक्टर बोल सकते हो? बोल सकते हो? तो यही है गाना जब हमने सुना था, हम दोनों ने गाना जब सुना था, तो हमने बोला कि इस गाने को कुछ अलग वे से प्लान करते हैं, कुछ मूड, एक होता ना कि एक बारिश का सीज़न है तो कुछ उस हिसाब से उसको प्लान करेंगे. उसके बाद हम कास्टिंग पे आए, चीज़ें प्री में हम इतने दोनों तीनों इतने इन्वॉल्व थे चीज़ों को लेके, ये कॉस्ट्यूम को लेके, मैं लुक से लेके, सब लाइक हम लोगों का एकदम फैमिली प्रोडक्शन है जिसमें हम लोग अपनी जान लगा देते हैं. एक्चुअली ये जब गाना मैंने भी सुना था, इतना अच्छा, इतना रोमांटिक सॉन्ग है, क्योंकि ये अभी बारिश का टाइम आ रहा है और ये सॉन्ग भी एकदम वैसा वाला फील था. सो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे और बहुत परफेक्शन करना चाहते थे, और बहुत बखूबी तरीके से प्रिंस सोलंकी, जो कैलाश प्रोडक्शन के ऑनर हैं और जो डीओपी प्रॉपर उन्होंने किया, डायरेक्शन सर, क्रिएटिविटी और देन एडिटिंग, इनके बिना ये गाना इनकम्प्लीट था. तो देन शायद से मैं इन दोनों को ज़्यादा तकलीफ मैंने ही दिया हुआ शूट पे, दोनों को आर्टिस्ट को नहीं नहीं, बट सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, वेरी कोऑपरेटिव एंड बहुत अच्छे तरीके से हुआ है. जब आप सब लोग देखेंगे ये गाना तो बोलेंगे कि वाओ क्या गाना है. सो हम सब यही चाहते हैं कि आप लोग जितना हो सके इस गाने को और हमारे प्रोडक्शन हाउस को बहुत सारा प्यार दें. मैं क्या बोलूँ यार, सारी क्रिएटिविटी इन्होंने दे दी है, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं बोलने उसमें क्रिएटिविटी देना बोलने में. नहीं थैंक यू, थैंक यू गाइस. मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये गाना इतना प्यारा था, और स्टाइलिंग करना और लोगों को खूबसूरत बनाना मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है, और जहाँ पे अपना घर का प्रोडक्शन हाउस हो तो मैं कैसे पीछे हो सकती थी. और दे बोथ आर वेरी अमेजिंग आर्टिस्ट, और लाइक बोलते हैं ना कि इंसान में कोऑपरेटिव भी होना चाहिए, कि बहुत लोग बोलते नहीं हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं, बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे ट्रस्ट मी बोथ ऑफ कि हाँ हम, मैं जो भी स्टाइलिंग करूँगी या जो भी लुक करूँगी, दे विल लुक परफेक्ट, और दे आर लुक सो, ही लुक सो हैंडसम इन दैट एल्बम, और ये तो प्रिटी वैसे ही हैं, तो कुदरत ने ऑलरेडी खूबसूरत इन लोगों को बना रखा हुआ था. मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी इन लोगों के ऊपर में स्टाइलिंग करने की. बहुत मेहनत की नताशा जी ने, मतलब आई हैव अ टीयर्स इन माई आईज, एंड मैं बोल रही थी कि ऐसे कैसे कोई इस दुनिया में इतना केयरिंग कैसे हो सकता है, मतलब बहुत ग्रेटफुल हूँ नताशा जी. आप प्रोजेक्ट में हो इसके लिए हम इतने ब्यूटीफुल हुए, आपके बिना कुछ भी नहीं. ऐसा नहीं, ये सब लोगों का हार्डवर्क है, सब लोगों ने जिन जिन का जो किरदार था सब लोगों ने बखूबी से निभाया है, तभी आज एक ये सक्सेसफुल रहनुमा आप सब लोगों के सामने हम सब प्रेजेंट कर पाए हैं. कुछ सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, और ख़ास करके ये सॉन्ग नाइट में शूट हुआ है, सो इट्स वेरी टफ. फिर भी मतलब आप जब देखेंगे ये गाना तो आप लोगों को लगेगा नहीं कि किसी के अंदर में भी कोई टायर्डनेस या कुछ भी, सबके अंदर में एक अलग एनर्जी, अलग जुनून था, क्योंकि सब लोगों को इस गाने से बहुत मोहब्बत थी. तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि ये गाना जितना हो सके आप लोग देखें और शेयर करें और रील्स बनाएं, बहुत सारे रील्स बनाएं. आजकल तो रील्स ट्रेंड चल रहा है, इसके बिना कुछ है नहीं. सो देन सबसे पहले तो रील्स बनाएं.
क्या कैलाश प्रोडक्शन के तो ये हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी लाइक अभी हम बस एक दिन बाद अभी और दो एल्बम शूट को साथ में लेके जा रहे हैं शूटिंग करने के लिए। आप लोगों को कैलाश प्रोडक्शन में और भी बहुत सारे वेरिएशन ऑफ सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, तो गाइस स्टे ट्यून्स। और आप सब लोगों को कैलाश प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अपकमिंग और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के अपडेट्स के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। या अगर गाने की बात करें तो जब आपके पास में गाना आया तो फिर स्क्रिप्ट का सोचा होगा, किस तरह से आपके दिमाग में थॉट आया कि कहाँ का लोकेशन रखें, क्या कुछ ब्रीफ करें थोड़ा सा इसके बारे में हमारे सर बताएंगे। जब ये गाना आया था तो हमने एक बारिश का सीज़न चालू हो रहा था, एक गाने की फील थी, एक रोमांटिक था। जब मैंने कास्टिंग देखी थी उसके ऊपर हमने जब प्री वर्क किया था कि यार चलो कुछ ऐसी जगह पे जाए जहाँ से क्या होता है एक फील आ जाए, एक रोमांटिक वाली फील आ जाए, क्योंकि दोनों दिखने में अच्छे है, एक्ट वाइज माइंड ब्लोइंग। तो एक होता है एक रोमांटिक वाला हमने उस एक एंगल दिया था कि हाँ दोनों की एक स्टोरी है, एक बैक स्टोरी है गाने के स्टार्ट हो रहा है तब से, तो ऐसा नहीं कि एकदम फटक से गाना चालू हुआ है, उसकी एक बैक स्टोरी है, एक एंड है, तो एक है रोमांटिक स्टोरी है बाकी दोनों। क्या स्टोरी है? सो एक्चुअली स्टोरी ये है कि ऑफकोर्स हम लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, हर रिश्ते में झगड़ा होता है, तो ऐसा झगड़ा कभी नहीं हुआ जो इस सिचुएशन में हम दोनों का झगड़ा हुआ। और उस सिचुएशन में वो इंसिडेंट मतलब ऐसा नहीं था कि वो कोइंसिडेंटली मेरा कॉल नहीं लग रहा था, तो ही वॉज़ वेरी वरीड एंड उन्होंने मेरे लिए ऑलरेडी इस कैरेक्टर ने बहुत बड़ा सरप्राइज रखा था, तो मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था कि बिकॉज द वे आई रीच्ड एट होम एंड ही जस्ट गेट एंग्री ऑन मी एंड देन शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलती हूँ कि मनाने के लिए यू नो एक स्टोरी शॉर्ट में अगर बताऊं मैं पूरी स्टोरी शॉर्ट में बताती हूँ आप लोगों को। ये था क्योंकि आजकल जो जनरेशन में सब लोग कपल्स लिविंग में रह रहे हैं और इंडस्ट्री में सब ऑडिशंस दे रहे हैं, सबका अपना अपना ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, तो देन वैसे अंकिता जो हमारी इस एल्बम की लीड हैं तो इनका भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था क्योंकि उनको अपने इंडस्ट्री में ड्रीम प्रोजेक्ट में काम करना है, तो देन इनका एक ऑडिशन था, तो देन उनको ऑडिशन देना था बट वो उनका जो बॉयफ्रेंड होता है इसमें वो बोलते नहीं मेरे साथ वक्त बिताओ, बट वो ऑडिशन का स्क्रिप्ट ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड पढ़ चुका होता है, तो फिर ये लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं बट वो ऑडिशन का स्क्रिप्ट होता है। तो जब वो ऑडिशन देने जाती है तो वो रियलाइज करती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने जो मेरे साथ टाइम स्पेंड किया वो टोटली स्क्रिप्टेड था, जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए मुझे रिहर्सल करना था। तो आफ्टर जब वो जाती है वहाँ पे और देन वो जब सेलेक्ट हो जाती है तो शी इज सो हैप्पी, तो देन वो अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है और वो उसको हग करती है और देन बोलती है कि अगर तुम मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते तो शायद से मैं ये ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता मुझे ये। सो ये एक सिंपल सा हैप्पी सपोर्टिव बॉयफ्रेंड, जो इंडस्ट्री में हमेशा बहुत कम बॉयफ्रेंड या पार्टनर्स होते हैं जो अपनी लेडी लव को सपोर्ट करते हैं, तो ये एक बहुत ही प्यारा मैसेज है कि हमेशा एक दूसरे को इक्वल सपोर्ट करें, सपोर्ट करें, प्यार करें और ज्यादा से ज्यादा। दैट वाज द पर्पस टू मेक रहनुमा। दैट्स इट। थैंक यू।